हाई डियर फ्रेंड, दिस इज दिवाकर फ्रॉम डीबी टीचिंग होटल। योर वेलकम। नाउ प्रैक्टिस एंडिंग है यहाँ पर लोकोमोशन से। यहाँ पर थर्ड सेकंड प्रैक्टिस है, लोकोमोशन में यहाँ पर छूटा था। यहाँ पर लोकोमोशन शुरू करते हैं, यहीं पर छूटा था। प्रैक्टिस फर्स्ट प्रैक्टिस एट फर्स्ट सेकंड है। यहाँ पर नैरीज फाइलम एनिलिडा एनिमल अनैरीज नैरीज का क्लास है पोलिकीटा। वन नरीज कैन बी क्राउन ऑन द सबटेटम एज वेल एज स्विमिंग और एक्टिवली। तो यहाँ पर ये जमीन पर भी रेंगता है और उसके साथ ही साथ तैरता भी है पानी में सक्रिय रूप से, दोनों मूवमेंट करता है। और क्रॉलिंग इज अफेक्टेड बाय द एक्टिविटी ऑफ पैरापोडिया। जो क्रॉलिंग है वो पैरापोडिया से होती है और स्विमिंग जो है इन्वॉल्विंग पैरापोडिया एक्टिविटी एज वेल एज स्नैक लाइक अंडुलेटिंग। तो पैरापोडिया द्वारा यहाँ पर स्विमिंग करता है और अंडुलेटिंग जो मूवमेंट है उसके द्वारा बॉडी गति करती है। वेव लाइक कंट्रक्शन जो कि होता है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का। ग्रे डिस्क्राइब्ड द पैटर्न ऑफ द पैरापोडिया एक्टिविटी ड्यूरिंग द लोकोमोशन इन नैरीज। गुरु ने यहाँ पर जो है पैरापोडियल लोकोमोशन देखा था नैरीज में, और ईच पैरापोडिया उन्होंने देखा था कि ईच पैरापोडिया ग्रे ने बताया था, ऑब्जर्व किया था कि ईच पैरापोडिया हैव बिहेव माइनट पैडल एलिमेंट्री बीटिंग बैकवर्ड। तो ऑब्जर्वेशन किया था कि पैरापोडिया है वो बिहेव करता है मिनी नेचर और पैडल एंड एल्टरनेटली बीटिंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिकवरी। तो पैरापोडिया है वह बिहेव करता है मनी नेचर पैडल एंड अल्टरनेटिव बीटिंग बैकवर्ड इफेक्टिव स्ट्रोक एंड फॉरवर्ड रिट्रैक्टिव स्ट्रोक, दोनों तरीके मूवमेंट करता है पैरापोडिया ग्रे के हिसाब से। एंड फॉरवर्ड अपोजिट पैरापोडिया एडजेसेंट सेगमेंट ऑलवेज परफॉर्म्स सेम स्ट्रोक एट टाइम। तो जो अपोजिट पैरापोडिया है, अपोजिट पैरापोडिया जो संबंधित हैं सेगमेंट में और एक ही सेगमेंट पर जो पाए जाते हैं अपोजिट पैरापोडिया वो यहाँ पर सेम स्ट्रोक करते हैं एक साथ, जो कि अपोजिट पैरापोडिया सेम सेगमेंट अपोजिट पैरापोडिया एक ही सेगमेंट के होते हैं वो यहाँ पर सेम परफॉर्म नहीं करते हैं, बस यहाँ पर रिवर्स स्ट्रोक करते हैं। जो अपोजिट पैरापोडिया होते हैं सेम सेगमेंट के, उसी सेगमेंट के अपोजिट पैरापोडिया होते हैं वो यहाँ पर रिवर्स स्ट्रोक करते हैं। और सेम टाइम पर करते हैं मूवमेंट ऑफ पैरापोडिया कंट्रोल बाय द ऑब्लिक पैरापोडियल मसल्स। जो मूवमेंट ऑफ पैरापोडिया की वो ऑब्लिक पैरापोडिया मसल्स जो सिलोमिक रूट के द्वारा कंट्रोल की जाती है। गति है जो पैरापोडिया की वो ऑब्लिक एंड कंट्रोल की जाती है ऑब्लिक एंड पैरापोडियल मसल्स के द्वारा, ऑब्लिक पैरापोडियल मसल्स एंड सिलोमिक फ्लूड के द्वारा। विच में बी फोर्स इन टू द विदड्रा फ्रॉम दिन डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल एल स्ट्राइट। तो पैरापोडिया किस तरह के होते हैं, पैरापोडिया यहाँ पर जो मूवमेंट है वो सेम एक ही सेगमेंट पर पाए जाते हैं जो पैरापोडिया, तो वो यहाँ पर अपोजिट स्ट्रोक करते हैं और रिवर्स स्ट्रोक करते हैं, और जो कि एक ही सेगमेंट पर नहीं होते हैं उससे संबंधित होते हैं दूसरे सेगमेंट पर होते हैं, दो अलग अलग सेगमेंट पर पैरापोडिया और जो सेगमेंट एक दूसरे से जुड़े होते हैं वो यहाँ पर करते हैं, और वो यहाँ पर जो स्ट्रोक है उनका वो यहाँ पर करते हैं परफॉर्मेंस और सेम स्ट्रोक करते हैं, और जो रिवर्स स्ट्रोक करते हैं वो एक ही सेगमेंट के पैरापोडिया होते हैं वो सेम स्ट्रोक करते हैं। रिवर्स स्ट्रोक सेम टाइम होता है। मूवमेंट ऑफ पैरापोडिया आर द कंट्रोल बाय द ओब्लिक एंड पैरापोडियल मसल्स। जो मूवमेंट है पैरापोडिया की वो यहाँ पर कंट्रोल की जाती है ओब्लिक पैरापोडियल मसल्स एंड सिलोमिक फ्लूइड विद में बी फोर्स इनटू द विड्रा देम।
जो मूवमेंट है पैरापोडिया की वो कंट्रोल की जाती है ओब्लिक पैरापोडियल मसल्स और सिलोमिक रूट के द्वारा। तो ये बता चुके हैं जो मूवमेंट है वो ओब्लिक ओब्लिक पैरापोडिया एंड सिलोमिक रूट के द्वारा कंट्रोल की जाती है। एलिमेंट्री के अलावा स्ट्राइट होती है, एक्सटेंडेड होती है एंटीरियर टू पोस्टीरियर डोर्सल मेजियन ट्रंक एंड बॉडी वॉल नेरीज परफॉर्म द वैरायटी ऑफ फंक्शन क्यूटिकल। तो यहाँ पर जो था एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे थे यहाँ पर। लोकोमोशन तो यहाँ पर हो गया, इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल जो थी वो एंटीरियर टू पोस्टीरियर रहती है यहाँ पर और इंटरसेप्टल होते हैं इसमें और बोथ साइड बैंड होती है एंड तक जो बनी होती है स्टोमोडियम और फॉरगट मेजेंट्रा और मिडगट और पोरोटिकियम प्रोटैक्डियम या फिर हाइंडगट इस्टोमेडियम फोरगट और मिडगट मेजेंट्रा मिडगट इस्टोमेडियम फोरगट मेजेंट्रा मिडगट और प्रोटेडियम पोटियर हाइंडगट। यहाँ पर मिडगट है वो लाइन होती है इक्टोडर्मल एपिथेलियम से और जो एक्टोडर्मल है वो क्यूटिकल से लाइन होती है। इंडोडर्मल एपिथेलियम पाई जाती है इंडोडर्मल एक्टोडर्मल है एपिथेलियम एक्टोडर्मल एपिथेलियम क्यूटिकल विद द कंटेन आउट विद दो जॉब बॉडी वॉल। कुछ छूट गया यहाँ पर और लोपीडिया के बारे में वो यहाँ पर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आएगा। तो यहाँ पर जो सीलिएटेड नेफ्रिडिया होती है उसे कहते हैं नेफ्रोस्टोम और जो सीलिएटेड नेफ्रिडिया होते हैं उस नेफ्रिडिया को कहते हैं मेटानेफ्रिडिया। जो सीलिएटेड नेफ्रिडिया होते हैं उन्हें कहते हैं मेटानेफ्रिडिया। ये आंसर यहाँ पर मेटानेफ्रिडियम कहते हैं। जो सीलिएटेड नेफ्रिडिया होते हैं उन्हें मेटानेफ्रिडिया कहते हैं और नेफ्रिडिया कोइलेड होता है बोथ साइड ओपन होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर थर्ड पट्टी थेट में आएगा और लोकोमोशन नेफ्रिडिया और नेफ्रिडिया जो दो हैं दोनों पार वेंट्रल साइड पर पाए जाते हैं। नेफ्रिडिया फोर से ओपन होता है यहाँ पर और नेफ्रिडिया है जो नेफ्रिडिया फोर से ओपन होता है ये टर्मिनल एंड होता है इसका वेंट्रल साइड पर पाया जाता है नेफ्रिडिया फोर। इससे प्रत्येक नेफ्रिडिया कोइलेड होता है यहाँ पर ओवल शेप्ड होता है कोइलेड होता है और टर्मिनल होता है और ओपन होता है नेफ्रिडिया फोर किसके द्वारा नेफ्रोफोर टर्मिनल और वेंट्रल सर्फेस पर ओपन होता है नेफ्रिडिया फोर के द्वारा। नेफ्रिडिया फोर गाइडेड होता है एस्केटेड टूबुल सिलियटेड माउथ प्लेसेस। जो एस्केटेड टूबुल है वो सिलियटेड होती है टर्मिनल डक्ट इज विदाउट सीलिया। जो टर्मिनल डक्ट होती है उसमें सीलिया नहीं पाए जाते हैं। फिजियोलॉजिकल एक्सक्रीशन क्या होता है फिजियोलॉजिकल एक्सक्रीशन इज टर्मेड वे टू आउटर सर्वे नेफ्रिडिया डेंसली। जो फिजियोलॉजिकल वे क्या है नेफ्रिडिया जो है कवर्ड होते हैं यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज ग्लैंड सेल फार्मिंग वॉल ऑफ सीलिएटेड एस्केटेड ट्यूबुल। ग्लैंड सेल है जो सीलिएटेड एस्केटेड ट्यूबुल बनाती है और जिससे क्या होता है जिससे रिमूव किया जाता है वेट मटेरियल ब्लड कैपिलरीज के द्वारा और डिस्चार्ज किया जाता है यहाँ पर नेफ्रिडिया पोर से और जिससे वहाँ से आउटसाइड बॉडी में जाता है। तो ग्लैंड सेल क्या कहते हैं ग्लैंड सेल है जो बनाती है सीलिएटेड नेफ्रिडिया ट्यूबुल सीलिएटेड नेफ्रिडिया ट्यूबुल बनाती है जिससे यहाँ पर जो डिस्चार्ज किया जाता है मटेरियल जो डिस्चार्ज किया जाता है मटेरियल यहाँ पर बॉडी से और एस्केटी पोर में नेफ्रिडिया पोर में जिससे बाहर पानी में फेंका जाता है एस्केटी मटेरियल। नाइट्रोजनाउस बेस्ट इज मेनली अमोनिया जो अमीनोटेलिक एनिमल है। सीलिएटेड फाइनल ऑफ द नेफ्रिडिया ओपनिंग इनटू द सीलोम आल्सो रिमूव डेड आर द डाइंग सीलोम सीलोमी कार्बोक्लेसर विथ हैव ईटन आर द हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय द फॉरेन बॉडीज बैक्टीरिया। तो सीलोमी ब्लॉट क्या है डिस्ट्रॉयड सेल भी यहाँ बाहर निकलता है बॉडी से यानी सीलोमिक फ्लूइड एक्ट एज ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। एनी यूजफुल सबटेंड इंटरिंग इन द एस्केटी ट्यूबुल इज रीऑब्जर्व बाय द सेल ऑफ रिटर्न टू ब्लड कैपिलरीज दिस इज नाउन ए सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन। नर्वस सिस्टम कोरिलेट नर्वस सिस्टम इसमें किस तरह का प्रेडियस होता है नरीज का बेल डब्ल्यूड नर्वस सिस्टम होता है बायोलेट्री सिमेट्रिकल मेटामोरिकली सेगमेंटेड एंड डिस्टिंग्विश्ड इनटू द सेंट्रल पेरिफेरल एंड विसरल। सेंट्रल पेरिफेरल तीन तरीके पाया जाता है एंड विसरल
सेंटर में ब्रेन होता है, इसमें गांगलिया पाई जाती है सेंटर, और यहाँ पर और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है यहाँ पर, फाइबर जिसमें पाए जाते हैं जॉइंट फाइबर, मेन ब्रेन थ्री सेंटर बनाता है यहाँ पर, पोस्टीरियर मिडल एंड एंटीरियर सेंटर, पोस्टीरियर मिडल एंड एंटीरियर सेंटर, मिडल सेंटर वेयर द लोब्स कॉल द कारपोरा पेंडुकुलेटा, जो मिडल नर्वस सिस्टम सेंटर है वो कारपोरा पेंडुलेटा बनाता है, और जो दी ज़्यादा असोसिएट भी जो कि संबंधित है सेंटर से, ऑल द पल्स इंटरिंग द ब्रेन, सभी पल्स ब्रेन में एंटर करते हैं, सब पेरेंजियल गैंगलिया फॉर्मेड बाय द फ्यूजन ऑफ टू पेयर ऑफ गैंगलिया, वेंट्रल नर्व कॉर्ड लाइज वेंट्रली बिलो द पेरिनिक्स फर्स्ट पेरिनिक्स सेगमेंटेड, ब्रेन इज कनेक्टेड विद द सुपर पेरेंजियल गैंगलियल गैंगलियन बाय द पेयर ऑफ ए नर्व स्टाउट नर्व स्टाउट एंड स्टैंड फॉर द सर्कुलम पेरिनिंग कनेक्टिव रनिंग इन वन आइदर साइड ऑफ पेरिनिक्स फॉर्मिंग ए नर्व कॉलर नर्व रिंग, नर्व कॉलर आर रिंग्स और कनेक्टिव बेयर स्मॉल गैंगलिया नियर द पॉइंट ऑफ द अटैचमेंट विद ब्रेन, दीज गैंगलिया प्रोबली रिप्रेजेंट नर्व सेंटर दैट बेयर ओरिजिनली लोकेटेड इन द सेंट्रल नर्व कॉर्ड बट हैव शिफ्टेड टू देयर प्रेजेंट पोजिशन ड्यू टू द सेपलाइजेशन, मेंटल नर्व कॉर्ड रीज रंस पोस्टली और सब जेनिटल गैंगलिया। तो यहाँ पर थोड़ा स्किप कर रहे हैं इसे, क्योंकि यहाँ पर जो फैक्ट है वही पढ़ेंगे, वीडियो पॉज करके पढ़ लें फिलहाल। इसमें गैंगलिया हैं, फाइव जॉइंट फाइबर पाए जाते हैं, और फाइव जॉइंट फाइबर जिसे एग्जान कहते हैं, और थ्री सेंट्रल एंड टू लेटरल पोजीशन पाई जाती है इसमें, थ्रू सच फाइबर इम्पल्स ट्रैवल वेरी फास्ट अबाउट 25 सेंटीमीटर इन हंड्रेंथ ऑफ द सेकेंड एंड फर्स्ट अगेंस्ट द इम्पल्स वेरी फास्ट होते हैं, क्योंकि इसमें जॉइंट गैंगलिया पाई जाती हैं, इसमें सिनेप्स नहीं पाए जाते हैं सिस्टम में, सिनेप्स नहीं पाए जाते हैं, फाइबर पाया जाता है यहाँ पर, इम्पल्स वेरी फास्ट जो कि 25 सेकेंड में हंड्रेड सौ बार होते हैं सेकेंड, 25 अबाउट 25 सेंटीमीटर में यहाँ पर 100 बार हो जाता है, एक सेकंड में 100 बार हो जाता है इम्पल्स लगभग 25 सेंटीमीटर में, इन सेंटर्स 25 सेंटीमीटर 10 सेकंड इन केस ऑफ द एथली वेंट्रल नर्वस सिस्टम बेस सेबरल गैंगलिया सिनेप्स सच एज जॉइंट फाइबर। यहाँ पर जो ट्रैवल वेरी फास्ट होता है अबाउट 25 सेंटीमीटर में होता है, जो कि 100 टाइम होता था सेकंड होता है, अगर 25 सेंटीमीटर वेरी फास्ट होता है, फर्स्ट सेंटीमीटर में 100 टाइम ऑफ सेकंड, 100 टाइम ऑफ सेकंड, 100 टाइम 100 ऑफ द सेकंड एंड अगेंस्ट द 25 सेंटीमीटर इन द सेकंड इज द केस ऑफ द असुबल वेंट्रल नर्वस सिस्टम, सिस्टम इज अ सेवरल गैंगलियन एंड सिनेप्स सच फॉर जॉइंट फाइबर फाउंड इन द मोस्ट एनिलीट्स एथवाम एनिबल टू फॉर्म रिस्पॉन्ड टू अलार्म बाई सडन वॉयलेंट शॉर्टनिंग ऑफ द इंटायर बॉडी, पेरिटोमियल नर्वस सिस्टम यहाँ पर सेकेंड है, ये सेकेंड नर्वस सिस्टम है यहाँ पर पेरिटोमियल नर्वस सिस्टम, और मिडल सेंटर होता है टू पेयर होता है आई यहाँ पर एंड पेयर होता है प्रोमिटियल टेंटाग्रेस में पाए जाते हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या क्या पाया जाता है, टेंटाग्रेल तो आई पाई जाती हैं, आई पाई जाती है, टेंटाग्रेल पाए जाते हैं, और सिराई पाई जाती है, पोटी टेंटाग्रेल पाए जाते हैं, आई पाई जाती हैं, पैरालेल सिरकमपेंजिल कनेक्ट द थ्रू कोर सप्लाई डॉर्सल पेरियर सिराई ईच सेंसरी कनेक्टिव बिफोर गिविंग एयर नर्व प्रोस्टोमियल सराई सोवेल इन टू द गैंगलिया एस्ट इट लाइज क्लोज टू द कॉरस्पॉन्डिंग गैंगलिया सर्कुलम, तो पेयर ऑफ द नर्व बॉल ऑफ द पेरापोडिया थर्ड सेगमेंट ईच सेगमेंट गैंगलिया गिव राइज टू फोर पेयर, ईच सेगमेंट है जो फोर पेयर बनाते हैं यहाँ पर, फर्स्ट एंड सेकेंड पेयर सप्लाई द लॉन्गिट्यूडल मसल्स, फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट और फोर जो
पेयर होता है नर्व का, वो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल मसल को सप्लाई करता है एंड बॉडी को। फर्स्ट यहाँ पर फोर फर्स्ट फोर यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल मसल को सप्लाई करता है और लॉन्गिट्यूडनल बाल को लॉन्गिट्यूडनल मसल और बाल को सप्लाई करता है। और सेकंड जो है वो यहाँ पर पैरापोडिया को सप्लाई करता है ब्लड, सेकंड पैरापोडिया को। फर्स्ट जो है लॉन्गिट्यूडनल मसल को, फर्स्ट है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल को सप्लाई करता है और बॉडी वाल को, और सेकंड जो है सेकंड सप्लाई करता है पैरापोडिया को। थर्ड सप्लाई करता है यहाँ पर, थर्ड सप्लाई करता है फ्राम वो इनक्लेट करता है फ्राम मसल टू मसल फाइबर से कम बनाता है यहाँ पर कंपोज करता है मसल फाइबर का। थर्ड पेयर है वो फाइबर फ्राम पैरी रिसेप्टर से बनाता है मसल को। ईच पेरीफेरल नर्व कंटेन डिफरेंट एंड डिफरेंट फाइबर्स। पेरीबेसल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ फाइन एसोसिएटिंग नर्व्स। फ्यू गैंग्लिया सप्लाई द डोर्सल एंड वेंट्रल बॉल्स ऑफ पेरिनिक्स। दीज आर इन्वॉल्व इन द मोटो कंट्रोल प्रोबिटिस। इसमें प्रोबिटिस पाई जाती है पेरिटेरियन में और डोर्सल साइड पर पाया जाता है। और नरीज प्रोसेस स्लाइड पावर ऑफ नरीज में यहाँ पर एक पावर होती है इनक्लूडिंग फाइंडिंग एंड वे अवॉइडिंग टू अनप्लेसड स्टिमुलाई। नरीज प्रोसेस स्लाइड पावर, स्लाइड पावर ऑफ लर्निंग इनक्लूडिंग द फाइंडिंग वे टू अवॉइडिंग अनप्लेसेंट स्टिमुलाई। नरीज प्रोसेस लाइट स्लाइड पावर बहुत हल्की पावर सीखने की इनक्लूडिंग द फाइंडिंग वे टू अवॉइडिंग अनप्लेसेंट। इसमें बहुत कम पावर होती है किसकी ढूंढने की या बचने की, किसी चीज़ को ढूंढने की या किसी किसी खतरे वाली चीज़ से बचने की बहुत स्टिमुलर से प्रति बहुत कम पावर होती है इसमें। हाउएवर व्हेन द ब्रेन रिमूव्ड द एबिलिटी टू स्टैन बिहेवियर इज ग्रेटली रिड्यूस्ड। सेंस ऑर्गन यहाँ पर क्या क्या है, प्रोटोमियल टेंटाकल्स हैं, प्रोटोमियल टेंटाकल्स है और क्या है टेक्टाइल है, प्रोटोमियल टेंटाकल्स और जिसमें सौ पाए जाते हैं और सौ फोटो रिसेप्टर्स पर हेल्प पाई जाती हैं प्रोटोमियल टेंटाकल। सेकंड है प्रोटोमियल पाल्प, सेकंड प्रोटोमियल बाल्प है और थर्ड है यहाँ पर प्रोटोमियल बाल्प है पाल्प, प्रोटोमियल बाल्प है यहाँ पर पाल्प। ये क्या करता है, ये यहाँ पर टेस्ट एंड स्मेल का कार्य करता है पाल्प। टच टेस्ट एंड स्मेल टी टी एस टच स्मेल और टेस्ट का कार्य करता है नोकल ऑर्गन पाल्पल्स। सेकेंड है यहाँ पर थर्ड नोकल ऑर्गन्स है, नोकल ऑर्गन्स इसका कार्य क्या है, नोकल ऑर्गन पोस्टीरियर साइड पर पाया जाता है। यह क्या यहाँ पर नोकल ऑर्गन स्मेल एंड कैमो रिसेप्टर का होता है। जैसे कि यहाँ पर पाल्पल है पाल्पल्स जो है स्मेल टेस्ट और स्मेल टेस्ट और यहाँ पर कैमो रिसेप्टर होता है पाल्प। उसी तरह यहाँ पर नोकल ऑर्गन भी होता है स्मेल और कैमो रिसेप्टर। पैरल सिराई यहाँ पर है, पैरल सिराई पेरिटोमियल सिराई है यहाँ पर जो टेक्टाइल और इसका कार्य है और ये पाई जाती है दोनों साइड पर पेरिटोमियम के पास सिराई पाई जाती है यहाँ पर। अनजॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है ये पेरी सिराई, ये भी सेंसरी ऑर्गन। आई है फर्स्ट आई, यहाँ पर चार आई पाई जाती हैं और कपलाई स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर हेड पर पाई जाती हैं आई। और पिगमेंटेड होती हैं बॉडी और जो पार्मिंग हाईलाइन प्रोजेक्शन होता है इसमें कप फिल्टेड विथ जेलेटिन और सबटेंस में पाया जाता है। और यहाँ पर जो कर्निया है वो फंक्शन करती है पपिल की तरह। ये स्ट्रक्चर है आई का, आई में क्या क्या स्ट्रक्चर पाया जाता है, आई में पाई जाती है रॉड लेंस पिगमेंट है यहाँ पर, ये यहाँ पर न्यूक्लियस है, रेटिना ही है, नर्व सेल है यहाँ पर ऑप्टिक नर्व है। और रिप्रोडक्शन आई आर द नॉट इमेज, यहाँ आई जो ऐसी है मनुष्य की तरह इमेज नहीं बनाती है मगर चेंज जो है कर देती है लाइट 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 की डायरेक्शन चेंज करती है लाइट के
लाइट को द्वारा अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है। नहरीज रिपोर्ट अक्सर सत्य सिस्टम है जो गोनड है फ्रेथ वाटर नहरीज नाउन है टू बी धर्मा प्रोडाइट हाउएवर मोटनरीज डाइसियस। तो जो गोनड है टेटी जो ओवरीज वो बनते कहाँ हैं और जो यहाँ पर परमानेंट नहीं होते हैं। दे आर द मास डेवलपिंग फार्मिंग ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन में बनते हैं गैमेट ओवा एंड स्पर्म। दीज मास डेवलप प्रोजेक्शन सोयलिंग प्रोलीफिकेशन वेंट्रल सेप्टम पे पाए जाते हैं। ब्रीडिंग सीजन में पेरिटोनियल इन ऑल द सेगमेंट पेरिटोनियल सेल में पाए जाते हैं हर सेगमेंट को। बॉडी लिविंग द फ्यू एंटीरियर कुछ एंटीरियर भाग को छोड़कर सभी में सेक्स ऑर्गन बनते हैं ओवा स्पर्म। गैमेट आर द सेटअप स्पर्म मेटोकॉन्ड्रिया इन मेल असगोनियम। जो यहाँ पर गैमेट हैं वो सेटअप होते हैं मेटा स्पोरोगोनियम की इस तरह इन द मेल असदागोनियम मेल के ओगोनिया होती हैं यहाँ पर स्पर्म मेटोकॉन्ड्रिया होती हैं यहाँ पर। ये फीमेल स्ट्रक्चर है और जो ये यहाँ पर है फीमेल और मेल स्ट्रक्चर और ये यहाँ पर फीमेल स्ट्रक्चर है ओगोनिया जो कि सीलोमी फ्लूड में बनते हैं दोनों सेक्सुअल मैच्योरिटी के समय और ये तभी बनते हैं यहाँ पर। ये पैक्ड होते हैं ग्रोवल और यहाँ पर सीलोमी पैक्ड विद द गैमेट सीलोम है वो गैमेट से भरी होती है। गोनड नरीज के देयर इज नो गोनड ट्राइब मैच्योर ट्राइब इसमें ओवा डिस्चार्ज आउटसाइड से मोटली मेटानेपिडिया बाय द एक्शन ऑफ एलिया बोन। तो मेटानेपिडिया इसमें पाया जाता है जो सीलिएटेड नेपिडिया होता है डिस्चार्ज किया जाता है मेटानेपिडिया के द्वारा ओवा एंड स्पर्म और जिसका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए होता है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर सेगमेंट ऑफ सीलिएटेड ऑर्गन होता है यहाँ पर सेक्स ऑर्गन होता है जिसे जेनाइटल डक्ट कहते हैं। नेफ्रोस्टोम एंड नेफ्रियडियल ट्यूब्स आर गोडोकिच परपोज द नेफ्रोमिक्सिया आर द नेफ्रोनेफिडिया नेफ्रोनेफिडिया फॉर द सच नेफिडिया एक्टिंग एट बोथ एसकेटी एंड जेनाइटल डक्ट। बोनेफिडिया जो जेनाइटल और एसकेटी दोनों की तरह कार्य करते हैं एसकेटी एंड जेनाइटल डक्ट की तरह कार्य करते हैं उन्हें कहते हैं नेफ्रोमिक्सिया नेफ्रोमिक्सिया या फिर मिक्सोनेफिडिया ये कहते हैं उन्हें इन्हें मिक्सोनेफिडिया कहते हैं जो दोनों कार्य करते हैं यहाँ पर एसकेटी एस वेलस जेनाइटल एसकेटी के साथ का जेनाइटल कार्य करते हैं तो उन्हें कहते हैं यहाँ पर प्रोमक्सिया कहते हैं या फिर मिक्सोनेफिडिया जो दोनों कार्य करते हैं एस्केट्री और जेनाइटल डक्ट की तरह तो उन्हें कहते हैं मिक्सोनेफिडिया या फिर नेफिडिया। डॉर्सल सीलिएटेड ऑर्गन है फेयर ऑफ द डॉर्सल सीलिएटेड ऑर्गन अगर ईच सेगमेंट क्लोज रिलेशन टू डॉर्सल लॉन्गिट्यूडनल मसल तो ईच सीलिएटेड ऑर्गन ईच और सीलिएटेड ट्रक ऑफ द सीलोमिक एपिथेलियम अपेयरिंग एट द शॉर्ट एंड मच होडेड फ्यूनल विद वाइड ओपनिंग इंटू द कैविटी बट ब्लॉक द ओपनिंग इन एक्सटीरियर देयर रिसेम्बल्स सीलोमिक डक्ट अदर पॉलीकिट्स एनिलिट्स। डॉर्सल सीलिएटेड ऑर्गन होता है और वो क्या करता है ए पेयर ऑफ द डॉर्सल सीलिएटेड ऑर्गन अकर्स इन ईच सेगमेंट क्लोज रिलेशन टू डॉर्सल और लॉन्गिट्यूडनल न्यूक्लस ईच सीलिएटेड ऑर्गन्स इज ए सीलिएटेड ट्रैक्ट ऑफ सीलोमिक एपिथेलियम ईच सीलिएटेड ऑर्गन इज ए सीलिएटेड ट्रैक्ट ऑफ द सीलोमिक एपिथेलियम अपेयरिंग एट द शॉर्ट एंड फोल्डेड सीलिएटेड ऑर्गन है सीलिएटेड ईच सीलिएटेड ऑर्गन्स सीलिएटेड ट्रैक्ट में पाया जाता है सीलोमिक एपिथेलियम की अपेयर एट द शॉर्ट फोल्ड फ्यूनल शर्ट फोर्ड फ्यूनल की तरह दिखाता था फोर्डेड फ्यूनल की तरह बॉडी कैविटी बट लॉक दिट बॉडी कैविटी में दिखाया जाता है शर्ट फ्यूनल की तरह मगर यहाँ पर लॉक होता है ओपनिंग एक्टिव बाहर की तरफ ओपनिंग नहीं होती रिसेम्बल द सीलोमो डक्ट जो कि यहाँ पर सीलोमिक डक्ट की तरह होता है यहाँ पर सीलोमो डक्ट क्या होता है सीलोमिक डॉर्सल सीलिएटेड ऑर्गन
डॉर्सल सीली टारगन और सीलोम में पाया जाता है, जो कि एक्यूटरी ओपन नहीं होता है और सीलोमो डक्ट की तरह होता है। सीलिएटेड ऑर्गन्स पॉलीगीट एनिलीड फार्मेट रिगार्डेड एक्यूटरी ऑर्गन दे आर द लोकेट ऑफ गोनोडक्ट इट हैज द सेड ड्यूरिंग द सेक्सुअल मैच्योरिटी फीमेल ओपन टू द एक्यूटरी बाय द टेंपरेरी रिक्वायर माइनर अपर्चर सपोर्ट इट देम इज बॉडी वॉल बट ड्यू टू द लैक ऑफ एडिक्यूट एविडेंस रियल फंक्शन ऑफ द सीलिएटेड फीमेल रिमेन कंट्रोवर्सल। यहाँ पर इटोनरीज जो है क्या होता है, इपीटोक जिसे कहते हैं इटोनरी को, इपीटोक टेज एट द सेक्सुअल मैच्योरिटी मोस्ट ऑफ द पोस्टीरियर सेगमेंट फिल्ड विद द गैमेट्स एक्सिबिट मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटोमिकल डिफरेंट। सेक्सुअली मैच्योरिटी पर जो एंटीरियर पोस्टीरियर भाग होता है इसमें गैमेट बनते हैं ओवा इस पर, और जो कि मॉर्फोलॉजिकल एनाटोमिकल डिफरेंट होता है। मॉर्फोलॉजिकल एनाटोमिकल मतलब चित्र के हिसाब से और कार के हिसाब से दोनों भिन्न होता है यहाँ पर। और एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट दीज आर कंटिन्यू सेक्सुअल रीजन और एपिटोक, तो जो पोस्टीरियर पार्ट होता है जिसमें ओवा स्पर्म पाए जाते हैं उसे यहाँ पर एपिटोक या फिर सेक्सुअल रीजन कहते हैं, सेक्सुअल रीजन या एपिटोक ऑफ द बाम। फ्यू इंडिकेट सेगमेंट विच डू नॉट टेक पार्ट इन द गैमेट फॉर्मेशन, कुछ पार्ट हैं जो एंटीरियर के वो गैमेट नहीं बनाते हैं और जो बनाते हैं सेक्सुअल रीजन उसे कहते हैं अटोक। जो असेक्सुअल रीजन होता है उसे कहते हैं अटोक, सेक्सुअल रीजन को कहते हैं इपिटोक। सेक्सुअली मैच्योर बार्म विद द टू रीजन इज नाउन एज हिटोनरीज। सेक्सुअली मैच्योर बार्म होता है नरीज का तो उसे हिटोनरीज कहते हैं, क्योंकि वो उसमें मॉर्फोलॉजिकल और एनाटोमिकल भिन्न होता है बॉडी पोस्टीरियर बॉडी। हिटोनरीज एंड द फेनोमेनिज इन्वॉल्विंग ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सेक्सुअल इंडिविजुअल इंटू सेक्सुअल इंडिविजुअल, और इससे यहाँ पर क्या होता और हिटोनरीज यहाँ पर क्या हुआ कि नॉन ट्रांसफर ऑफ द ट्रांसफर वहाँ से नॉन सेक्सुअल इंडिविजुअल इनटू सेक्सुअल इंडिविजुअल इज रिफर्ड एज एपिटोक। नॉन सेक्सुअल इंडिविजुअल ट्रांसफर हो जाता है सेक्सुअल इंडिविजुअल में जिसे कहते हैं एपिटोक। नेरीज बेरिंस एंड सम अदर स्पीसीज सेक्सुअली मैच्योर प्लेयर्स दिस डिफर सो बाइडली इमेच्योर फेज इज हैज लॉन्ग बीन कंसीडर्ड टू मेंबर ऑफ द सेपरेट जीनस बाज है हिटोनरीज नेम इट गिवन आइडेंटिफाई विद द मालग्रीन रिकॉग्नाइज द मेरली सेक्सुअल इंडिविजुअल ऑफ नेरीज। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो इट करेक्ट जेनेटिकली जो उन्हें जाना पहचाना था मैलम ग्रीन ने पहचाना था, उन्होंने कहा था कि जो सेक्सुअल इंडिविजुअल नेरीज का होता है यहाँ पर होल बॉडी एनर्जी की जो कि हिटोनरीज में दिखाई दे जाएगा। सेक्सुअली मैच्योर एनिमल उसे कहते हैं एपिटोक, ये एपिटोक रीजन है पूरा। और सेक्सुअली मैच्योर इसमें पैरापोडिया घने पाए जाते हैं और ओवा स्पर्म इसी में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये पल्प हैं और पल्प कितने हैं, टू पल्प हैं। टेंटाकल कितने हैं, टेंटाकल्स टू हैं, टू फोर टेंटाकल मतलब टू इंटीरियर टू पोस्टीरियर, और जो सिराई है वो चार होती है, सिराई चार। टेंटाकल कितने हैं, दो दो टेंटाकल चार सिराई पाई जाती है। ये सेक्सुअल रीजन है यहाँ से यहाँ तक का, ये सेक्सुअल रीजन है जहाँ पर घने पैरापोडिया पाई जाती है, मोडिफाइड स्विमिंग पैरापोडिया है यहाँ पर तैरने वाले। करेक्टर फीचर ऑफ द हिटोनरीज का करेक्टर फीचर क्या है, हेड ऑफ द क्रीपिंग अबाउट से बॉटम लिविंग बोरो लाइक नरीज। द हिटोनरीज स्विमिंग एक्टिवली इन द सरफेस वाटर एंड बॉडी ऑफ नरीज इज डिवाइडेड इनटू टू डिस्टिंक्ट रीजन एंटीरियर असेक्सुअल अटोक जिसे कहते हैं और पोस्टीरियर सेक्सुअल रीजन इसे एपिटोक कहते हैं। तो सेक्सुअली मैच्योर एनिमल दो भागों में बांटा जाता है, एक एपिटोक इसे कहते हैं जो सेक्सुअल मैच्योर होता है और सेक्सुअल जो रीजन होता है या फिर सेक्सुअली मैच्योर तो उसे कहते हैं अटोक। तो दो भागों में बटा होता है यहाँ पर बॉडी उसकी। एंटीरियर जो होता है सेक्सुअल रीजन और पोस्टीरियर सेक्सुअल रीजन इसे एपिटोक कहते हैं। पैरापोडिया पोस्टीरियर सेक्सुअल रीजन बिकम
लार्जर मोर वैस्कुलाइज्ड। पहला पोटिया पोटिया साइड पर होते हैं वो यहाँ पर, क्योंकि सेक्सुअली मैच्योर एनिमल है। ओवा स्पर्म सेटअप करने के लिए एक्टिवली स्विमिंग करता है, फास्ट एंड एक्टिवली स्विमिंग करता है सरफेस ऑफ वाटर पर, जिससे सेटअप हो जाए गेमीट ओवा स्पर्म, जो कि वैस्कुलाइज्ड होते हैं और फिलेटेड उसमें सीलिया पाए जाते हैं, और एस्पायरेशन इसमें होता है सीलिया के द्वारा, जिसे ओब्लिक ओब्लिक सीलिएटेड मसल पाई जाती है। दे नॉर्मल सीटी आर द प्लेस्ड बाय द फिलेटेड ओवर शेप्ड होती है। तीन तरीके की सीटी होती हैं यहाँ पर, नॉर्मल नॉर्मल शेप्ड लॉन्ग होती है, या दूसरी स्मॉल स्मॉल लॉन्ग शेप्ड होती है। तीन तरीके की होती हैं, और ओवर शेप्ड सीटी होती है। पहली लॉन्ग सीटी होती है, दूसरी स्मॉल होती है, और तीसरी ब्लेड शेप्ड होती है और ओवर शेप्ड होती है। तीन तरीके की सीटी होती हैं। ये करेक्टर्स हैं कुछ, डोर्सल सिराई और अल्टरनेट ल्यूकोसाइट। जो डोर्सल सिराई उसमें ल्यूकोसाइट पाई जाती हैं, ब्रेक डाउन एंड डाइजेस्ट द ओरिजिनल पैरापोडियम मसल्स। फ्यू मसल्स आर फॉर्मड। आईज बिकम द ग्रेटली इनलार्ज एंड कॉन्स्पिक्यूअस। पेरिटोनियल पल्प एंड टेंटाकल बिकम रिड्यूस, बट पेरिटोनियल सिराई बिकम लार्जर। यहाँ पर सेक्सुअली मैच्योर एनिमल की बात हो रही है। ये पैरापोडिया हैं, इसमें हिटोनरीज के पैरापोडिया कुछ इस तरह के होते हैं, ओवर शेप्ड होती हैं ये। यहाँ पर ओवर शेड और सीटी इस तरह से होती, थोड़े बड़े हो जाते हैं। ये रिएक्टेटर मसल होती है, ये प्रोटेक्टर मसल होती हैं। ये यहाँ पर तैरने में सॉल्व करती हैं। न्यूरोपोडियल होती हैं, और ये फॉलिकल ग्रोथ होती है, वेंट्रल सेराइज होती हैं। इंटेस्टाइन बिकम कंप्रेस्ड, इंटेस्टाइन बिकम कंप्रेस्ड एंड फंक्शन ड्यू टू द मच डेवलप्ड गोनड्स। इंटेस्टाइन कंप्रेस्ड कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर इसमें गोनड डेवलप होते हैं। सेंसरी प्रोजेक्शन बिकम श्रंकन विथ बाइल द पाइजीडियम और एनल सेगमेंट डेवलप्ड स्पेशल सेंसरी पैपिली। जो पाइजीडियम यानी टेल वाला रीजन होता है, उसमें सेंसरी पैपिली डेवलप होती हैं। इन सम स्पीशीज सच नरीज बेरेंस आइटोनरी सो सेक्सुअल डायमॉर्फिज मेल हैविंग लेस ऑन अल्टरनेट एंटीरियर सेगमेंट देन द फीमेल। तो इसमें क्या होता है, एंटीरियर सेगमेंट होते हैं मेल हैविंग द लेस अनरिलेटेड अल्टरनेट सेगमेंट होते हैं देन फीमेल में, यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रदर्शित करता है नरी। और इट हैज बीन शाउन बाय द डॉक्टरों डरकॉन दैट इमेच्योर स्पर्म बाउंड इमेच्योर बार्म और प्रिवेंटेड फ्रॉम द मेटामॉर्फोसिस इनटू द हेटरोनरीज बाय द इमोबिलिटी सिलेक्शन ऑफ द न्यूरोक्रिएशन प्रोड्यूस बाय द सेवरल गैंग्लिया। सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन ओनली व्हेन एस्केटरी एक्टिविटी सेरिब्रल गैंग्लिया इज डिक्लाइंड। सम अदर हार्मोन्स फ्रॉम सेरिब्रल गैंग्लिया सपोर्ट टू द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्सुअल मैच्योरिटी ऑफ बार्म। कुछ हार्मोन हैं जो सेक्सुअल मैच्योरिटी और सेरिब्रल गैंग्लिया से डेवलप होते हैं सेक्सुअल मैच्योर के लिए। और सेक्सुअली मैच्योर अटेन ओनली व्हेन एस्केटरी एक्टिविटी ऑफ सेरिब्रल गैंग्लिया। सेक्रेटरी जो एक्टिविटी है सेरिब्रल गैंग्लिया के द्वारा जो होती है, जिससे सेक्सुअल मैच्योर एनिमल और सेक्सुअली अटेन करता है, सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। डोक्रान का कहते हैं कि इमेच्योर बार्म है जो प्रिवेंटेड होता है मेटामॉर्फोसिस इनटू हिटोनरीज। जो इमेच्योर बार्म होता है उसमें हिटोनरीज नहीं होता बनता, यानी सेक्सुअल स्टेज नहीं आती है उसमें। इनिबेटरी एक्शन ऑफ द न्यूरो सेक्रेशन, क्योंकि यहाँ पर न्यूरो सेक्रेशन का इनिबेट हो जाता है, रुक जाता है, और जो कि प्रोड्यूस होता है सेरिब्रल गैंग्लिया के द्वारा। लाइफ हिस्ट्री ऑफ नरीज स्विमिंग सेक्सुअली मैच्योर एनिमल हिटोनरीज स्विमिंग से वाटर इन ऑर्डर टू सेट अप स्पर्म ओवर द बीस बिहेवियर कॉल द स्विमिंग स्मॉर्लिंग स्मॉर्मिंग। इस रीजन को कहते हैं स्मॉर्मिंग। नियरली अकर इन द नाइट एंड समय बाइल स्वार्मिंग
परफॉर्म द न्यूट्रल डांस इन द बोथ मेल एंड फीमेल स्वर्मिंग परफॉर्म्स न्यूट्रल डांस, दोनों करते हैं न्यूट्रल डांस। स्वामी क्या होता है, मेवा ओवा एंड स्पर्म को सेटअप करना वाटर सरफेस पर, उसे कहते हैं स्वार्मिंग। स्वार्मिंग परफॉर्म द नप्टल डांस, स्वार्मिंग जो है टू एनिमल के बीच होती है मेल फीमेल, जो कि नप्टल डांस करते हैं। एंड फीमेल स्विमिंग मेल बोथ मेल एंड फीमेल स्विमिंग रैपिडली इन द सर्कल, गोला में यहाँ पर तैरते हैं। फीमेल प्रोड्यूस सबर्टेन कॉल द फेल फर्टिलियम, फीमेल है वो फर्टिलियम प्रोड्यूस करती है विच अट्रैक्ट द मेल एंड स्टिमुलेट सेडिंग आप स्पर्म, जिससे यहाँ पर मेल अट्रैक्ट होता है और अपने स्पर्म सेडअप करता है छोड़ता है। विच टर्न एक्साइट, जो कि फीमेल को एक्साइट करता है एंड द स्टिमुलेट सेडिंग ऑफ एग्स, जिससे एग जो है फीमेल छोड़ती है फर्टिलाइजेशन के कारण। इन द केस ऑफ द सक्सीना नेरी सक्सीनिया मेल फर्स्ट स्विमिंग टू सरफेस एंड वेट फॉर द फीमेल, वेन द लार्जर लेटर अपेल द मेल स्विमिंग अराउंड द सेटअप स्पर्म, इसके बाद यहाँ पर जो मेल है वेन लेटर अपेयर फीमेल्स और मेल्स स्विमिंग अराउंड द सेटिंग स्पर्म, उसके बाद जो मेल है वो सेटिंग स्पर्म के चारों ओर मूव करता है इसके आसपास। इन रिस्पॉन्स द फीमेल गेट एक्साइट टू सेटअप ओवर, जिससे यहाँ पर फीमेल है एक्साइट हो और ओवर सेटअप करे छोड़े। फर्टिलाइजेशन एक्टरा होगा एक्सटर्नल नरीज बेराइन प्लाटिंग से वाटर फिलेटी फिलेटी नरीज मैगोलोन हाइज द अल्टोगेटर डिफरेंट मकेरी द फिलेटी नरीज मेलोनो मेलोनो क्लेपस में अलग तरीके का फर्टिलाइजेशन होता है। द मेल ब्राव द टाइटली अराउंड फीमेल इंसर्ट दिस एनाफी टू माउथ एंड इंजेक्ट स्पर्म, गट ऑफ द बॉडी गट ऑफ बोथ हैविंग बीन राउंडेड फैगोसाइट स्पर्म पास डायरेक्टली इन टू द सीलोम फीमेल वेयर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग अकर्स, स्पर्म पास डायरेक्टली सीलोम ऑफ द फीमेल वेयर द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग अकर्स, फर्टिलाइजेशन एग आर द सेटअप एट वंस फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड ऑफ द फीमेल बॉडी, दिस फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन हैड प्रोबेबली इवॉल्व्ड इन द प्लेटिनरी, प्लेटिनरी में इंटरनल होता है। मेगलोपस बिकॉज एग बिकम द अनफर्टिलाइज्ड जस्ट अप द 32nd कॉन्टेक्ट विथ से वाटर, इन केस ऑफ द डाइवर्सिकुल बीच ऑफ द फॉर नॉट एपिटोक एपिटोक फॉर्म, मैगेलो जो मैगेलो नेरी मैगेलोप्स नेरीज है जिसमें यहाँ पर बिकॉज एग बिकम अनफर्टिलाइज, इसमें एग जो है अनफर्टिलाइज होते हैं जस्ट ऑफ द 32nd कंटेक्ट विद से वाटर, जो 32nd के बाद से वाटर से कंटेक्ट हो जाता है इनका अनफर्टिलाइज एग का। इन केस ऑफ द डाइवर्जो को नरी डाइवर्सो कॉल्स डाइवर्सी कॉलर विच डोज नॉट अटेन द एपिटोक फॉर्म, विच डज नॉट अटेन एपिटोक फॉर्म, फर्टिलाइजेशन अकर इन द मोरो ऑफ द फीमेल इन टू विच मेल इंटर्स, फर्टिलाइजेशन अकर इन द बोरो ऑफ द फीमेल इन टू द विच मेल इंटर ऑन द सरफेस ऑफ मड, फर्टिलाइजेशन का होता है बोरो ऑफ द फीमेल इन टू द विच मेल इंटर ऑफ द सरफेस ऑफ मड। इपिटोक सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है जो कि नरीज बर्सी कोलर जो नहीं टेन करता है फॉर्म, फर्टिलाइजेशन अकर इन द बोरो ऑफ द फीमेल इन टू द विच मेल इंटर आर द वन सरफेस ऑफ मड, फर्टिलाइजेशन इन बोरो में होता है फीमेल इन टू विच मेल इंटर्स, जिसमें फीमेल रहता है उसी में मेल इंटर करता है या सरफेस ऑफ मड। डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ नरीज कंप्राइज थ्री डिस्टिंक्ट पीरियड, प्री लार्वल पीरियड, प्री लार्वल पीरियड जिसमें अनफर्टिलाइजेशन एग होता है और जिसे जोनोटा रेडिया कहते हैं, जिसे अनफर्टिलाइजेट लार्वा होता है और इसके बाद यहाँ पर सोन फर्टिलाइजेशन जोनोटा रेडिएटा, जिसे अनफर्टिलाइजेट एग जिसे कहते हैं जोना रेडिएटा और जोना रेडिएटा, उसके बाद सोन फर्टिलाइजेशन जोन होता है और रेडिया डिस्पेयर और जिसे कहते हैं
जो ना रेडिएटर के बाद क्या होता है कि लेब फर्टिलाइजेशन होता है जो ना रेडिएटर, इसे टीलोलेट की कंडीशन कहते हैं। टू एग पोलर बॉडी अंडरगो द क्लीवेज, फर्स्ट टू क्लीवेज ऑफ जाइगोट इक्वल वर्टिकल एंड फोर ब्लास्टोमियर। क्लीवेज सेम होता है, क्लीवेज डिटर्मिनेट होता है, फैट ब्लास्टोमियर होती है यहाँ पर। अनफर्टिलाइज्ड जोना ब्लेरेटा कहते हैं, क्या कहते हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग को जोना रेडिएटा, जोना रेडिएटा कहते हैं। थर्ड क्लीवेज एनिकोल होता है। तो यहाँ पर हम मेन फैक्ट पर चल रहे हैं, स्पाइनल क्लीवेज होता है इसमें। तो जो अनफर्टिलाइज्ड एग है उसे कहते हैं जोना रेडिएटा, और यहाँ पर जो फर्टिलाइज्ड एग है सेकेंड पीरियड होता है, सेकेंड पीरियड होता है जिसमें क्या होता है लार्वल पीरियड जिसे ट्रोकोफोर कहते हैं। जोना रेडिएटा को इसके सेकेंड पीरियड को यहाँ पर ट्रोकोफोर कहते हैं। आफ्टर द गैटुलेशन ट्रोकोफोर बनता है गैटुलेशन से, जो कि 24 घंटे में डेवलप हो जाता है ट्रोकोफोर। इसमें रिंग पाई जाती है, टॉप फॉर्म एम्ब्रियो है, टेक फॉर्म टॉप फॉर्म लड्डू की तरह इसका रूप होता है एम्ब्रियो का, जिसे ट्रोकोफोर कहते हैं। और रेंजिंग द लार्वल लार्वल जस्ट अबव द एक्यूटर, जस्ट बीच में, जस्ट बीच में पाई जाती है यहाँ पर रिंग, और जिसे कहते हैं प्रोटोट्रोच या फिर प्रोक्टोलर सीलिएटेड बैंड। तो इसमें सीलिएटेड बैंड पाए जाते हैं इसमें, किसमें, ट्रोकोफोर में। टाइपिकल ट्रोकोफोर लार्वा डज नॉट अकर इन टाइपिकल अनेरी में नहीं पाया जाता है ट्रोकोफोर। इट इज एम्ब्रियोनिक एंड पास इनसाइड द एग, डिफर फ्रॉम द ट्रोकोफोर टाइपिकल एब्सेंस ऑफ द ब्लास्टोसील। न्यूली हैच लार्वा ऑफ नेरी टर्मिनेटर पोर्ट ट्रोकोफोर लार्वा, न्यूली हैच्ड लार्वा ऑफ नेरी जिसे कहते हैं पोस्ट ट्रोकोफोर। न्यूली हैच लार्वा है ट्रोकोफोर कहते हैं, और लार्वा नेक्टोली ट्रोकोफोर कहते हैं। नीली हैच नेरीज लार्वा या फिर उसे कहते हैं नेक्टोचेटी नेक्टोकीटी। न्यूली हैच नेरीज का लार्वा है जिसे कहते हैं प्रोटो पोस्ट ट्रोकोफोर लार्वा या फिर नेक्टेली कहते हैं इसे। इट पास थ्री सेगमेंट, इसमें थ्री सेगमेंट पाए जाते हैं ट्रोकोफोर में। क्या क्या पाया जाता है, थ्री पार्ट बिट्रिल के साथ पाए जाते हैं। क्या क्या, पोस्ट लार्वल पीरियड मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है इसमें, इसमें थ्री स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और यहाँ पर थर्ड पीरियड लार्वा है, इसमें थ्री सेगमेंट पाए जाते हैं लार्वा में और बिट्रिल के साथ। पोस्ट लार्वल पीरियड ऑफ द मेटामॉर्फोसिस, जो पोस्ट लार्वल पीरियड है जिसे मेटामॉर्फोसिस होते हैं, मेटामॉर्फोसिस होती है किसमें, ट्रोकोफोर में, और जो कि लार्ज सेगमेंट है जिसे कहते हैं पाइजिडियम। तो यहाँ पर इसमें पहला पोडिया डेवलप होते हैं और सभी टेक्चर डेवलप होते हैं, और रिजल्टिंग यंग सेटल डाउन जो सेगमेंट सून डेवलप्ड इन पैरापोडिया में बन जाते हैं, सीटी बन जाती है, पाइजिडियम बन जाती है, सारी चीज़ें बन जाती हैं। अब लार्वा यहाँ पर सेटल डाउन हो जाता है ब्रो में। अब यहाँ पर टाइपिकल ट्रोकोफोर लार्वा इन सम पॉलीकिट यंग हैच फ्रॉम द एग्स कैरेक्टरिस्टिक लार्वा स्टेज कॉल्ड द ट्रोकोफोर। इन सम पॉलीकिट में जो यंग हैच लार्वा होता है, यंग लार्वा हैच होता है एग से, एग से यहाँ पर यंग लार्वा हैच फ्रॉम एग, उसे कहते हैं ट्रोकोफोर। जो कि यहाँ पर सिल्मर मस्कल मोलत के सिमिलर होता है ट्रोकोफोर लार्वा। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोकोफोर इज माइनर सिलिएटेड अनसेगमेंटेड होता है, सिलिएटेड होता है, पियर शेप्ड होता है, यहाँ पर प्लेजिक पियर शेप्ड प्लेजिक होता है क्रिएशन। ओरल ओरल अब बोरल जो सरफेस है वो इसमें पाई जाती है। क्या क्या पाया जाता है, फिर अनसेगमेंटेड होता है, सिलिएटेड होता है, पेयर शेप्ड होता है, अनसेगमेंटेड होता है, सीलिएटेड होता है, पेयर शेप्ड होता है, और डार्सो बेंटल इसमें पाई जाती है, ओवरऑल ओवरऑल सरफेस पाई जाती है इसमें। टोकोफोर लार्वा सेंसरी ऑर्गन इसमें पाए जाते हैं,
सेंसरी ऑर्गन क्या क्या पाए जाते हैं, और एपिकल ऑर्गन, प्लेट, टॉप टॉप सीलिया प्लेट और एपिकल ऑर्गन पाए जाते हैं टोकोफ्लोरा में। एपिकल ऑर्गन, टॉप टॉप सीलिया और प्लेट, ये तीन चीज़ें पाई जाती हैं। इसमें स्ट्रक्चर देखेंगे तो समझ में आएगा। गैंग्लिया असली इवेंट बनता ऑर्गन एपिकल रीजन, ये करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द टोकोफोरिज प्रेजेंस ऑफ पेरिओरल सीलिएट गर्डिल ऑफ द गिडल्स जस्ट अबव द एक्यूटर एंड सीलिएटेड प्रोटोज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट। क्या क्या पाया जाता है, प्लेट पाई जाती है, सीलिएटेड टूप्ट पाए जाते हैं, गैंग्लिया पाई जाती है, रूडिमेंट ब्रेन पाया जाता है। इसमें लार्वा में क्या क्या पाया जाता है, एपिकल ऑर्गन पाया जाता है, प्लेट पाई जाती है और टूप्ट सीलिया पाए जाते हैं, गैंग्लिया पाई जाती है, और इसमें क्या क्या पाया जाता है, प्रोटोज माउथ पाया जाता है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पाई जाती है, पेरिओरल सीलिएटेड ग्रिडल पाई जाती है, पेरिओरल सीलिएटेड ग्रिडल पाई जाती है, कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम पाया जाता है इसमें, और पास्टोरल सीलिएटेड बैंड पाया जाता है, और मेटामोर्च होता है, इसमें मेटाट्रोच होता है, लाई बिहाइंड द माउथ एंड सम देयर इज आल्सो टोलोट्रोच होता है इसमें, जस्ट फ्रंट ऑफ एनस दी सीलिएटेड रिंग हेल्प इन द फीडिंग एंड लोकोमोशन। सीलिएटेड रिंग पाई जाती है जो कि हेल्प करती है फीडिंग और लोकोमोशन में। गट रिकॉग्नाइज इन टू द मेटा इसोफेगस स्टोमच एंड इंटेस्टाइन म्यूजोडर मीज पेयर ऑफ द डिफरेंट मासेस ऑफ सेल लोकेटेड इन द लोअर जोन लाइंग बेसल दीज पार्ट ऑफ दीज पेयर ऑफ द प्रोटोनिप्रिया दैट डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म। टोकोफोर इज नियरली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट लाग सीलोम, इसमें सीलोम नहीं पाई जाती है लार्वा में, सीलिया टुप्ट पाई जाती है इसमें, एपिकल नोच पाई जाती है इसमें, सीलिया टुप्ट पाई जाती है, और क्या लाक होती है, सीलोम नहीं पाई जाती इसमें, सीलोम इसमें नहीं पाया जाता है, जो पाया जाता है वो बताया, प्लेट पाई जाती है, एपिकल ऑर्गन पाया जाता है। फिर एक बार दोहरा दें, एपिकल ऑर्गन और प्लेट पाई जाती है, तब तब सीलिया पाया जाता है और गैंग्लिया पाया जाता है, डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट होता है इसमें, डाइजेशन सिस्टम पाया जाता है, माउथ पाया जाता है, एनस पाया जाता है, सारी चीज़ें पाई जाती है इसमें, माउथ एनस, और इसमें लाक होती है। यहाँ पर क्या लाक होती है, और लाक होती है इसमें और सीलोम, और मूवमेंट होती है, मूवमेंट एंड फीडिंग होती है सीलिया के द्वारा, सीलिएटेड रिंग के द्वारा फीडिंग होती है और लोकोमोशन होता है, दोनों काम होता है इसमें। और इसमें मीजोडर्म पाई जाती है लार्वा में, टोकोफ्लोरा इज अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, अर्ली स्टेज डेवलपमेंट होती है इसमें, इसमें प्लाटोसिल और एक्टोडर्म से इंडोडर्म, और इसमें यहाँ पर क्या होता है, स्पेस होता है जो कि दोनों के बीच में पाया जाता है, इंडोडर्म एंड एक्टोडर्म जिसे कहते हैं प्लाटोसिल, ये लार्वा का स्टेज है, इंडोडर्म और एक्टोडर्म दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। ये स्ट्रक्चर है लार्वा का टोकोफोर, इसमें क्या क्या पाया जाता है, सीलिएटेड टुप्टो है, ये एपिकल, गैंग्लिया है, आई है, इसोफेगस है, पियर शेप्ड है, यहाँ पर एनस है, इंटेस्टाइन है, सीलिएटेड बैंड है, ये लार्वल नेफिडिया है, ये मीजोडर्म है, और पर्सनल सीलिएटेड ब्रांड है, ब्लाटोसील है, यहाँ पर लार्वल मसल्स हैं, तो इतनी सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ये टोकोफ्लोरा में, और इसमें लाक होती है सीलोम, मेटामॉर्फोसिस टोकोफ्लोरा लेजी क्रिएचर होता है यहाँ पर, और इसमें सी टी भी पाई जाती है, मेटामॉर्फोसिस रिजल्ट इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ प्लैंकटन एक्सिस्टेंस लॉस ऑफ मैनी लार्वल स्ट्रक्चर एंड प्रोटोनेफिडिया एक्टो मीजो एंड मसल्स ब्रांड सीलिएटेड मसल्स। सेल ऑफ एपिकल प्लेट फॉर्म द प्रोटोमियम एंड ब्रांड लार्वा। मेटामॉर्फोसिस टोकोफ्लोरा टोकोफ्लोप्लेजिक एंड क्रिएचर स्टेप्टिंग अबाउट इन से मेटामॉर्फोसिस रिजल्ट इन द इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ प्लैंकटोनिक एक्सरसाइज एंड लॉस ऑफ मैनी लार्वल स्ट्रक्चर।
सच प्रोटोन एफिडिया, तो यहाँ पर प्लेजिक होता है ये, और इसमें प्रोटोन एफिडिया की पाए जाते हैं। और मीजोडर्मल मसल्स क्या होती है यहाँ पर, ट्रोकोफोलार्वा में क्या होता है, प्लैंकटोनिक होता है यहाँ पर, और इसमें टेक्चर पाए जाते हैं, कई टेक्चर नहीं इसमें पाए जाते हैं, जो कि प्रोटोनेफिडिया है। मीजोडर्मल मसल्स है, बैंड एंड सीलिएटेड ग्रिड्स इसमें नहीं पाई जाती है, मेटामॉर्फोसिस होते समय और ट्रोकोफोलार्वा में, तो इसमें लाश होते हैं कई टेक्चर, और इसमें डेवलप होता है ब्रेन, फार्मेशन डेवलपमेंट ट्रंक सेगमेंट बनते हैं, टर्मिनल पीजीडीएम बनती है, फार्मेशन ऑफ बॉडी सेगमेंट होते हैं, इसमें बॉडी सेगमेंट बनते हैं, एक्सटर्नली डेवलपमेंट सीटल सेक्स बनती है एंड सीटी बनती है, माउथ रीजन बनता है, और माउथ रीजन बनता है यहाँ पर, कंप्लीट पोस्ट लार्वा डेवलपमेंट होता है, हैबिटेट होती है एडल्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रोकोफो लार्वा, तो इसमें क्या होता है ट्रोकोफो लार्वा का महत्व, यहाँ पर ये स्पेसी डिफ्यूजन के लिए होता है, बेसिडेस जो है लार्वा अपेयर इन द डेवलपमेंट ऑफ एनिमल ब्लेंजिंग सेवरल फाइला, तो ट्रोकोफो लार्वा है कई फाइलम में पाया जाता है, सचा फैनिलीडा मोलस्का एंड ब्रायोजोला एनिलीडा मोलस्का दोनों में पाया जाता है ट्रोकोफो लार्वा। दिस इज हायर्ड स्लेक हाइड चेक एंड अदर एम्ब्रियोलॉजी टू इनक्लेट द ग्रुप ऑफ द एनिमल ऑल द डिसेंडेड फ्रॉम द कॉमन हाइपोथेटिकल एंसेस्टर कॉल्ड द ट्रोकोजोन। एनिलीडा मोलस्का दोनों में पाया जाता है, ब्रायो में ट्रोकोफो लार्वा। दिस इज नाउन एज द ट्रोकोफो थ्योरी, तो यहाँ पर किसने कहा था, हाइड चेक ने कहा था, एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो कि बताया था कि एंसेस्टर होते हैं ट्रोकोजोन के, एंसेस्टर हैं ट्रोकोजोन, जिसे कहते हैं ट्रोकोजोन थ्योरी। इस यहाँ पर जो हैबिटेट होती है एंसेस्टर ऑफ ट्रोकोजोन, उसे कहते हैं यहाँ पर ट्रोकोजोन थ्योरी। हाउएवर द स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट मीन बोथ फॉर अगेंस्ट दिस थ्योरी, तो इसमें कई आर्गूमेंट हुए थे दोनों थ्योरी के लिए, कौन कौन सी, हाइबर थ्योरी एंसेस्टर एंड ट्रोकोजन थ्योरी, एडेप्टेशन नरीज स्ट्रक्चरल बिहेवियर, एडेप्टेशन नरीज ग्रोइंग एंड कर्निवोर हाउस, बॉडी इलोंगेटेड प्लेटिन ब्रोइंग मड सेक्रेशन म्यूकस फॉर सीमेंटिंग टुगेदर सेंड इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रो एंड प्रिवेंट द कोलैप्स, ग्रोइंग इज द नॉक्चुरल हैबिटेट प्रोटेक्ट द प्रेडेटर इवर्सिबल पेरिनिक्स एंड काइटिन ऑफ सिलिकेटम शेप्ड जॉ हेल्प इन द कैप्चर ऑफ फास्ट मूविंग प्रे, नीडल लाइक सीटी आर फ्लैप आर द ओवर शेप पैरापोडिया हेल्प इन द स्विमिंग एंड क्रॉलिंग, थिन एंड हाईली नीडल लाइक क्या है, प्लेट ओवर से पैरापोडिया हेल्प इन क्रॉलिंग, काइटिन ऑफ साइकिल शेप जा होता है जो कि हेल्प करता है फैट मूविंग ऑफ द प्रे, थिन एंड हाईली वास्कुलर इंटूगमेंट ऑफ द पैरापोडिया सर फॉर गैसियस एक्सचेंज द एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, हेड विथ सेंस ऑर्गन वेल डेवलप्ड कॉरस्पॉन्डिंग टू द एक्टिव मोड ऑफ लाइफ, हेड विथ यहाँ पर हेड विथ सेंस ऑर्गन वेल डेवलप्ड मोड ऑफ लाइफ, हेड विद सेंस ऑर्गन, हेड इसमें सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं, नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, पीरियड स्विमिंग ऑफ द सेक्सुअली मैच्योर इंडिविजुअल, इटोनरीज इंश्योर द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा, अगर ऑफ द फ्री स्विमिंग ट्रोकोफो लार्वा इज इन डेवलप्ड सर्विंग फॉर एंड वाइन डिस्पोजल ऑफ स्पीसीज,
तो फिर इसी में टोकोपो लार्वा है वो यहाँ पर स्पीच डिस्पर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। और स्वार्मिंग ऑफ सेक्सुअली मैच्योर इंडिविजुअल, स्वार्मिंग कहते हैं हिटोनाइडीज को। इंसोर जो कि फर्टिलाइजेशन करता है ओवा, ओवा इसे स्वार्मिंग कहते हैं। और MCQ है यहाँ पर, ये अगली प्रैक्टिस सेट में आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नया हो नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। राधे राधे। डोंट वरी बी हैप्पी। व्हाट इज द डज सिलोमिक डक्ट परफॉर्म इन द नरीज? सिलोमिक डक्ट है वो नरीज में क्या करती है? रिप्रोडक्टिव एंड एस्केटिव दोनों पर करती है। और व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द सिलोमिक डक्ट इन नरीज? एक्टोडर्मल। सिलोमिक डक्ट की जो ओरिजिन होती है वो एक्टोडर्मल होती है। और पेरिटोनियम नरीज कंपोजिट ऑफ पेरिटोनियम वन सेगमेंट की बनी होती है नरीज में, जिससे पेरिटोनियम को कहते हैं सिलोमिक एपिथेलियम, जिससे ओवा स्पर्म बनते हैं। और ये पाई जाती है यहाँ पर मस्कुलर और मस्कुलर सेल में पाई जाती है बॉडी वॉल की। एस्केटी आर्गन नरीज का मेटानोपोडिया है, सिलिएटेड नेपोडिया को कहते हैं मेटानोपोडिया। और यहाँ पर सेक्सुअली मैच्योर बार्म इज कॉल्ड हिटोनरीज। और बार्म इज हैविंग एपिटोक एंड अटोक रीजन इज कॉल्ड सेक्सुअली मैच्योर और यहाँ पर इसे कहते हैं हिटोनरीज। बार्म जिसमें एपिटोक एपिटोक रीजन दोनों होता है हिटोनरीज। फर्टिलाइजेशन इज सेक्रेट बाई फर्टिलाइजेशन किन के द्वारा सेक्रेट किया जाता है? फीमेल नरीज, फीमेल हिटोनरीज। नरीज कॉमनली कॉल्ड, नरीज कॉमनली कॉल्ड कलम्बार रैंगवार्म सैंडवार्म ऑल ऑफ देम सभी। लोकोमोटरी आर्गन इन नरीज, लोकोमोटरी आर्गन नरीज में क्या होता है? पर स्क्वेरापोडिया। हु मेड द स्टडी अबाउट लोकोमोशन नरीज? लोकोमोशन नरीज की जो स्टडी है वो किसने की थी? ग्रे ने की थी। ग्रे ने लोकोमोशन स्क्वेरापोडिया के द्वारा होता है, ग्रे ने बताया था। रेस्पायरेशन नरीज किसके द्वारा होता है? रेस्पायरेशन बॉडी सर्कस के द्वारा होता है रेस्पायरेशन। और मैन एक्सेटरी प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रीस यूरिया और अमोनिया होता है, क्योंकि नरीज पानी में रहता है। केमोरिसेप्टर आर्गन इन नरीज, केमोरिसेप्टर आर्गन है लोकल आर्गन। और नेम ऑफ द लार्वा नरीज टोकोपो लार्वा एनिलिडा और मोलस्का में पाया जाता है ब्रायोजोआ में। टोकोपो लार्वा एनिलिडा मोलस्का और ब्रायोजोआ में पाया जाता है। नरीज इज नरीज कार्निवोरस है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो नहीं सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। राधे राधे। डोंट वरी बी हैप्पी।